एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू डब्ल्यूएस वेब टेक। माय नेम इज आयुषी जैन। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट वेब स्क्रैपिंग। सो गाइस, आपने ये वर्ड तो सुना ही होगा, या तो वेब स्क्रैपिंग या डेटा स्क्रैपिंग। सो डेटा स्क्रैपिंग क्या होती है ये हम जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। ऑल्सो हम जानेंगे कि इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, कैसे डेटा स्क्रैपिंग की जाती है, नॉट प्रैक्टिकली बट मैं आपको समझाऊंगी ये स्क्रैपिंग बेसिकली होती क्या है, कि कैसे जाती है, कहाँ इसके एप्लीकेशंस होते हैं, कहाँ पे ये काम आती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि वेब स्क्रैपिंग होती क्या है। सो गाइस, वेब स्क्रैपिंग को अगर मैं आपको डेफिनेशन में समझाऊं तो डेफिनेशन में इसका मतलब ये होगा कि हम वेबसाइट से डेटा को गेट करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड एचटीएमएल के फॉर्म में, एंड उसके बाद उसके अंदर से जो यूजफुल डेटा है उसे हम यहाँ पे ऑब्टेन करके हमारे पास रख लेते हैं। अब अगर सिंपल शब्दों में हम समझे तो कोई भी वेबसाइट है, चाहे वो आजियो की होगी, नाइकी की होगी, अमेजोन की होगी, या फिर कोई ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर स्टॉक मार्केट का डेटा है, डब्ल्यूएसक्यूबटेक की वेबसाइट क्यों ना है, अगर उसका कोई भी डेटा आपके लिए यूजफुल है, अगर आपको वो एक्सेल फाइल के अंदर जेएसएन के फॉर्मेट में, सीएसवी फॉर्मेट में अगर आपको उसको यूज करना है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे वेब स्क्रैपिंग का यूज करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास वेबसाइट्स के अंदर डेटा होता है, वेबसाइट्स के ऊपर जो हमें डेटा व्यू हो रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट का डेटा है, तो वहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है, हाई प्राइस क्या है, लो प्राइस क्या है, करंट प्राइस क्या है, ये सारा डेटा जो हमें व्यू हो रहा है, ये अगर आपको कहीं पे स्टोर करना है हर एक घंटे में, हर दो घंटे में, या हर दो तीन दिन में आपको ये स्टोर करना है, तो हर बार हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूजुअली उसको कॉपी करते हैं, एक्सेल में चढ़ाया, पेस्ट कर दिया, मतलब एक्सेल में जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है, इस तरह से हम करते हैं। तो ये जो ओल्ड स्कूल मेथड है काफी टाइम भी कंज्यूम करता है, वहीं एट द सेम टाइम हमारा स्क्रैपिंग का कोड इतना सिंपली वर्क करता है कि आप यहाँ पे स्क्रैपर को चला सकते हैं एंड इट ऑटोमेटिकली स्क्रैप्स द डेटा जो भी आप यहाँ पे वेबसाइट से स्क्रैप करना चाहते हैं, और उसको स्टोर करा सकते हैं आपके डेटाबेस के अंदर, एक्सेल फाइल के अंदर, जेएसओन के अंदर, या फिर सीएसवी फॉर्मेट के अंदर। सो इस तरह से ये कुछ वर्क करता है। अब अगर मैं आपको थोड़ा समझाऊं यहाँ पे कि किस तरह से हम यहाँ पे एचटीएमएल का डेटा जो है गेट करते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे कैसे उसके अंदर से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो हम मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर बताती हूँ। कि जैसे मैंने यहाँ पे ब्राउजर में अमेजोन की वेबसाइट खोली हुई है, अब यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है मोबाइल्स अंडर 50,000, तो सारे मोबाइल विदर अंडर 50,000 वो मुझे यहाँ पे व्यू होने लग जाएंगे, राइट। अब मुझे ये सारा डेटा चाहिए, सपोज मेरी एक्सेल फाइल के अंदर, कि या तो मैं कोई नई वेबसाइट बिल्ड करना चाह रही हूँ, या मेरा कोई और यहाँ पे काम है कि मुझे यहाँ पे सारे 15,000 के फोन देखने हैं, या फिर सारे जो एग्जैक्टली 14,000 के फोन है वो मुझे यहाँ पे देखने हैं। तो इस तरह से अगर मैं एक्सेल में डेटा लेना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पे कैसे लूंगी कि भाई मैं यहाँ पे पहले तो इसको कॉपी करूंगी, उसके बाद प्राइस को कॉपी करूंगी, डिस्क्रिप्शन भी मुझे चाहिए तो वो भी मैं यहाँ पे कॉपी करूंगी, कि ये काफी लंबा सा टास्क हो जाएगा। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे कितने सारे ये बॉक्सेस बने हुए हैं, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे सिर्फ हमारा एक पेज है, उसके बाद हमारे पास सेकंड पेज है, सेकंड पेज पे जाके भी हमारे पास फिर अगेन इसी तरह से डेटा है। तो हम यहाँ पे इस केस में क्या कर सकते हैं, स्क्रैपिंग में हमारे पास यहाँ पे एक मेथड होता है जहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, इस वेबसाइट को हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे ताकि हम इसका HTML देख पाए या इसका पूरा कोड देख पाए, नॉट जस्ट HTML, CSS वगैरह जितनी प्रॉपर्टीज जो भी लगा हुआ है यहाँ पे वो सब हम देख पाए। एंड इस पे मैं यहाँ पे ले जाकर क्लिक करती हूँ अगर, सो यहाँ पे नेविगेशन बार पे हम गए, नेविगेशन बार से आप किसी भी चीज को यहाँ पे स्क्रोल करके उससे रिलेटेड जो डेटा है वो यहाँ नीचे की तरफ गेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जाती हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे इससे रिलेटेड मैंने अगर इसको क्लिक किया है तो यहाँ पे एक कोड हाईलाइट हो गया, और इसके अंदर इसका नाम देख के आ रहा है, दैट्स सैमसंग गैलेक्सी M32 प्राइम एडिशन, जिसमें हमारे पास है लाइट ब्लू, 6GB रैम एंड 128GB मेमोरी, राइट। अब यहाँ पे अगर हमारे पास प्राइस है, प्राइस से रिलेटेड अगर हम पे जाना है तो हम प्राइस से रिलेटेड कोड पे भी यहाँ पे आ सकते हैं। इसी तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें ऑब्टेन कर सकते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे पाइथन की काफी अमेजिंग लाइब्रेरीज का यूज करते हुए हम इस डेटा को कंटिन्यूसली लूप के थ्रू यहाँ पे गेट कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं एक्सेल फाइल के अंदर, जो कि मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि मैंने यहाँ पे कुछ डेटा स्क्रैप करके रखा हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे नेम है, प्राइस है, डिस्क्रिप्शन है, तो नेम के अंदर हमारे पास यहाँ पे फोन के नेम है, प्राइस के अंदर यहाँ पे मैंने इसको सॉर्ट किया हुआ है डेटा को, दैट हाई टू लो यहाँ पे जा रहा है, एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, तो इस तरह से हम यहाँ पे इसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं, दैट मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, डेटा डेटा में जाएंगे एंड यहाँ पे हम फिल्टर लगा देते हैं, फिल्टर के बाद हम यहाँ पे क्लिक करके चेक करते हैं कि भाई मुझे यहाँ पे सारे फोन चाहिए जिनकी प्राइस यहाँ पे 39,999 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इन सबको डीसेलेक्ट कर देती हूँ एंड यहाँ पे ले लेते हैं हम 39,999 एंड ओके करूंगी, तो जितने भी यहाँ पे फोन है जो कि 39,900 के हैं, आई गेस मैंने 900 का यहाँ पे लिया, 99 का नहीं लिया है, तो वो मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे 39,999 ओके करते हैं तो यहाँ पे कुछ और फोन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे,
तो बेसिकली ये इसी तरह से यहाँ पे वर्क रहता है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेबसाइट से यूजफुल डेटा ले सकते हैं, उसको स्टोर करा सकते हैं, एंड देन उस डेटा को हम जैसे चाहें वैसे यूज करते हैं, यही होती है हमारी वेब स्क्रैपिंग। सो गाइस ये सिर्फ यहाँ पे अमेजोन जैसी वेबसाइट तक सीमित नहीं है, बट अगर आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट का डेटा ऑब्टेन करना चाहें, आप स्टॉक मार्केट का डेटा यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं। आपको कोई और वेबसाइट, किसी भी तरह की वेबसाइट का डेटा आप लेना चाहें, चाहे वो आईपीएल की ऑप्शन टेबल हो, आजियो की वेबसाइट हो, नाइकी की वेबसाइट हो, कोई भी वेबसाइट हो, उससे हम डेटा यहाँ पे इजीली गेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि वेब स्क्रैपिंग का यूज कहाँ पे किया जा सकता है। तो वेब स्क्रैपिंग काफी सारी फील्ड में यूज की जा सकती है, जैसे कि रिटेल एंड मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल रिसर्च, डेटा साइंस में भी इसे काफी ज्यादा यूज देखा गया है, मार्केटिंग एंड सेल्स एकेडमी, जर्नलिज्म, रियल एस्टेट। सो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, लोग यहाँ पे स्क्रोलर को चलाते हुए वेबसाइट का डेटा गेट करते जाते हैं एंड उसके बाद उसको स्टोर कराते जाते हैं इनटू एन एक्सेल फाइल। सो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि पाइथन की कौन सी लाइब्रेरीज का यूज करते हुए हम स्क्रैपिंग कर सकते हैं, तो काफी लाइब्रेरीज का यहाँ पे यूज हो सकता है, ब्यूटीफुल सूप का यहाँ पे यूज हो सकता है, सिलीनियम का यूज कर सकते हैं हम, स्क्रैपी का यूज कर सकते हैं, स्क्रैपी इज अ फ्रेमवर्क, सो इनका यूज करते हुए हम यहाँ पे डेटा को स्क्रैप कर सकते हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड आप डेटा स्क्रैपिंग के बारे में और जानना चाहते हैं, देन यू मे ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड आपके लिए मैं यहाँ पे लेके आऊंगी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑन हाउ ब्यूटीफुल सूप का यूज करते हुए हम डेटा को स्क्रैप कर सकते हैं, या फिर हाउ सिलीनियम का यूज करते हुए हम डेटा को स्क्रैप कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो स्टार्टिंग सैलरी होती है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 3 लाख एंड गोज अप टू 10 लाख इन इंडिया पर एनम। So I hope guys कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि वेब स्क्रैपिंग या डेटा स्क्रैपिंग होती क्या है, एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट यू मे ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल मेक श्योर कि हम आपके लिए और वीडियोस लेके आएंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।